हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम है और टाइम हुआ है 6:15 बज गए हैं। ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है, उठ तो मैं 6 बजे गई थी तो मैंने ब्लॉग को कर दिया स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब कुछ नॉर्मल होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सुबह सुबह लंच, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे इसलिए। और लंच में बनानी भिंडी की सब्जी और रोटी, बस यही बनाऊंगी, सादा सिंपल खाना। और आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और फीवर सा हो रहा है, सर्दी लग गई है इसलिए। तो ना तो वीडियो अपलोड हो कर पाई हूँ, ना ही बना पाई हूँ, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, आपको पता है, और बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा कहीं बिजी भी हैं तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी परेशानी को समझेंगे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी जो कि बच्चों के लंच में मैं देती हूँ। आपको पता ही है, मैंने बोला भी है। इधर मैंने दूध को बॉयल होने रख दिया है और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है इसलिए कुछ काम भी ढंग से नहीं होते हैं, ना ही वीडियो बन पा रही है। इतना कभी नहीं हुआ जितना इस टाइम मेरी तबीयत में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको पता है, मेरी वीडियो भी नहीं जा पा रही है, तो कोई वजह होती है तभी नई वीडियो जा पाती है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लंच बना लेती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छी रेसिपी भी शेयर की है, सादा सिंपल मैंने और भी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने बना ली है भिंडी की सब्ज़ी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नींबू का जूस इसमें निकाल दिया है, क्योंकि टमाटर का यूज़ मैं नहीं करती हूँ भिंडी में, और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भिंडी मेरी बनकर हो गई तैयार, और तबीयत इतनी ख़राब है कि आपको मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर मतलब मेरे बच्चों को पसंद भी है, तो यहाँ पर जो उनको पसंद होता है वही मैं लंच में देती हूँ। तो लंच मेरा बन गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, और उसके बाद मैंने जैसे कि खाली टाइम था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरी मलाई रखी हुई है। करीब करीब 1 हफ्ता पहले भी मैंने यहाँ पर मलाई घी निकाला था, तो उसके बाद यहाँ पर ये मलाई मेरी फिर से इकट्ठा हो गई। मैंने सोचा ज़्यादा इकट्ठी ना हो, तो मैं इसके अभी इसका साथ के साथ इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि काम जितना कम हो, हर रोज़ जैसे भी जो काम दिखता है उसको करते रहना चाहिए, फिर इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम गैस पर अपने घी को हेलो। निकाल तो लिया। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 3 बज गए हैं और अभी मुझे टाइम मिला है, क्योंकि काम ही कर रही थी मॉर्निंग से। तो अभी मैं ना कपड़े धुलने जा रही हूँ, और कपड़े धुलने जा रही हूँ तो कपड़ों में धुली हूँ मैं। यहाँ पर कोट पैंट आप देख सकते हैं, 3 जोड़ी कोट पैंट है, 2 मेरे हस्बैंड जी के और 1 मेरे बड़े वाले बेटा का, तो आप देख सकते हैं। और आप कहेंगे कि कोट पैंट तो मतलब ड्राई क्लीन होती है, घर पर नहीं धुल सकते, तो मैं भी सोच रही थी कि ड्राई क्लीन ही करवाई जाए, लेकिन इनमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मुझे इनको साफ़ करना है। जैसे कि इजी में मैं इनको ऐसे ही डिप करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही खंगाल करके इनको अच्छी तरह से वॉश करके पानी में फिर इनको सुखा दूंगी, उसके बाद इन पर मैं प्रेस कर दूंगी, तो ऐसे भी मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने सोचा ड्राई क्लीन ना करवा करके मैं इस तरह से इनको अच्छी तरह से क्लीन करके प्रेस करके रख दूंगी, तो जो कि ये काम आने वाले हैं मेरे हस्बैंड जी के पहनने के लिए अभी। और मैंने सोचा, वो कह तो रहे थे कि मैं ऐसे ही पहन लूँगा, लेकिन मैंने कहा मैं इनको साफ़ करके रखूँगी, और 1 मेरे बड़े वाले बेटा का है तो इनको धुल लेती हूँ हाथ से और इजी में धुलूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और बड़े वाले बेटे का यह है तो साफ़ सुथरा ही है, लेकिन मुझे फिर से भी क्लीन करना है इसको, क्योंकि ये 1 बार का पहना हुआ है तो थोड़ा सा तो हल्का फुल्का मतलब गंदा हो ही जाता है। तो ये बड़े वाले बेटे का है तो इसको भी वॉश करना है, तो इनको वॉश कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ किचन में और मैं अभी किचन का काम कर लेती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह को अपने कपड़ों में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, तो सोचा मैं अपना जो मेरा काम है उसको कर लेती हूँ। और तबीयत ख़राब चल रही है तो जैसा मर्जी, जब टाइम मिलता तभी मैं काम को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, कुछ
कुछ को लगा लिया है, कुछ को लगा रही हूँ। और अभी हस्बैंड जी भी आकर गए हैं तो उनको चाय वगैरह बनाई थी, मैंने नहीं पी है। आप देख सकते हैं चाय वहाँ पर, मतलब मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए, तो चाय पी लेती हूँ, बर्तन लगा लेती हूँ किचन के। और कपड़ों को मैंने अभी डिप नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा अभी जो मैं आपको बताया था कि कोट पैंट को मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं और लाइट गई हुई है, तो मैंने सोचा ताज़ा ताज़ा पानी में उसको धोऊंगी, और लेकिन लाइट गई हुई है, आई नहीं है। तो वैसे ही पहले से मेरी सर्दी लगी हुई है, तबीयत ख़राब है, और मैंने ठंडे पानी में फिर से ज़्यादा काम किया तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने उनको भी ऐसे ही निकाल के रखा हुआ है, देखती हूँ लाइट जल्दी से आती है तो उसको उनको धोती हूँ, नहीं आती है तो फिर मैं उनको कल धोऊंगी। तो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स लाइट आ गई है, और लाइट आ गई है लेकिन टाइम को ज़्यादा हो गया है। मैंने सोचा जिस काम को कर लिया जाए वही सही है, तो मैंने यहाँ पर ताज़ा पानी निकाल करके इजी डाला है इसमें, क्योंकि ताज़ा पानी है तो थोड़ी सी गर्माहट भी है उसके अंदर। तो मैंने इजी डाल करके उसको अच्छी तरह से मिला दिया है, और जो यहाँ पर कोट पैंट है उनको मैं यहाँ पर ईसीजी में डिप कर दूंगी एक एक करके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं, बस ये है कि इनको वॉश करना है मुझे डायरेक्टली ना करा करके। और आप देख सकते हैं इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, खूब अच्छे से पानी में इनको साफ़ किया है, फिर एक एक करके इनको मैंने यहाँ पर सुखा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इनको मैं घर पर ही तैयार करके दूंगी, और घर पर तैयार करूँगी तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ऐसे नहीं है कि ये अच्छे से नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको हॉल में ही सुखा दिया है, और जैसे ही धूप निकलेगी अगले दिन, क्योंकि ये आज की ही वीडियो है जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी टाइम, तो थोड़ा सा धूप लगा करके फिर इनको मैं प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे और भी कपड़े सूखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि अभी गर्म कपड़े निकाल लिए गए हैं, सर्दी सीजन है तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया है, और अभी सर्दी सीजन है जैसे कि, तो वह बहुत सारे कपड़े निकालने पड़ रहे हैं, तो कुछ कपड़ों को सुखा दिया है, कुछ कपड़े धुल रहे हैं मशीन में आप देख सकते हैं, और अभी कुछ को यहाँ पर रखा हुआ है टप में, जो कि इनको भी मैंने हाथ से धुला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको एक बार मशीन में से निकाल चुकी हूँ, क्योंकि एक बार के सुखा दिए हैं, एक बार यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, और कुछ मशीन में धुल रहे हैं, और कोट पैंट धुले, कितनी सारी धुलाई की है कपड़ों की आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने घी निकाला था मलाई में से, तब वो मैंने निकाल करके छान करके रख दिया था फ्रिज में, और जैसे ही सारा दिन काम करती रही तो मैंने देखा फ्रिज में से निकाल करके, तो मेरा घी एकदम से अच्छा वाला जम गया है, कितना सुंदर एकदम दानेदार और एकदम से सॉफ्ट वाला वाइट वाला ये घी बन करके तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं इतना सारा घी निकल गया मलाई से। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं मार्केट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब जैसे चल रही है तो काफ़ी दिन से मैं सब्ज़ी भी नहीं ले पा रही थी, कभी कभार यही अपनी गली में से जैसे कोई आता है तो कभी ले लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैं खट्टा सब्जियां लेकर आती हूँ, तो फिर मैं उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ लेकर आई तो सारी ही सब्ज़ियाँ घर में ख़त्म हो रही थी, जैसे कि आलू लहसुन और प्याज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमें यूज के लिए सारी ही ख़त्म हो रही थी। तो मैं यहाँ पर टमाटर गाजर और यानी कि मटर और हरी मिर्ची और यहाँ पर बीन्स नींबू और गोभी, ये सारी ही सब्जी वगैरह जो भी हैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, और इनको भी पॉलिथीन में ही रखा हुआ है, और बिना साफ़ करे हुए तो मैं फ्रिज में रखूँगी नहीं, और हरा धनिया पत्ती भी लेकर आई हूँ, और तो इनको साफ़ करना है, वॉश करना है, सुखाना है, फिर फ्रिज में लगाना है, जो कि मैंने आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियो में, हमेशा मैं ऐसे ही करके रखती हूँ, इस तरह से कभी नहीं रखती हूँ, साफ़ करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ, और जैसे जैसे जो जो काम मतलब मन करता है तो करती रहती हूँ, तो यहाँ पर सब्जियाँ लेकर आई हूँ, इन सब्जियों को मैं अच्छी तरह से वॉश करके रख दूँगी फ्रिज में, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर इवनिंग टाइम था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आप जल्दी से मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि आज हमें मटर और आलू की सब्ज़ी बना कर दो, आलू मटर की सब्ज़ी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर अदरक टमाटर हरी मिर्ची को मैंने पीस पीस लूँगी, तो पीस भी लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल गर्म हो गया है तो जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और यहाँ पर मिर्ची डाल दी है, और ये चीज़ें डाल करके अच्छी तरह से मिला करके इसमें मैं यहाँ पर टमाटर अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी, उसके बाद यहाँ पर मैं मटर डाल दूंगी, तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, बहुत ही अच्छी वाली सब्ज़ी बनती है। इस तरह से ये रेसिपी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, जो इस तरह से मैंने ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, इतनी अच्छी इसमें मतलब खुशबू आ रही है, और बहुत ही टेस्टी थी ये सब्ज़ी,
आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मटर डाल दी है, मटर को 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आलू डाल दूंगी। आलू जब डल जाएंगे तो उसमें जितना हमें पानी चाहिएगा उतना पानी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको मतलब थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। हरा धनिया पत्ती डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्ज़ी बनी बन करके हो गई। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी वाली सब्ज़ी बनी है और जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी है। तो आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की है। आई होप कि ये पसंद आएगी आपको, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक रेसिपी के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।